नवम वर्ग के लिए संस्कृत व्याकरण के दूसरे पाठ के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हूँ। हम लोग वृद्धि संधि की चर्चा कर रहे थे। हमने यह बता दिया था आपको कि वृद्धि संधि का सूत्र होता है वृद्धि रेचि। आपको मैंने यह भी बता दिया था कि आई औ वृद्धि बखानी है। वृद्धि का अर्थ हमने आपको यह बताया था कि आई और औ को वृद्धि स्वर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर कल का वीडियो आप देखे होंगे तो आपके ध्यान में होगा कि मैंने कहा था कि आई औ वृद्धि बखानिए। इसका मतलब है कि आई और औ को हम वृद्धि स्वर कहते हैं। आई और औ को हम वृद्धि स्वर कहते हैं। साथ ही साथ हमने यह भी चर्चा कर दी थी कि ओ या आ के बाद अगर ए या आई आता है तो दोनों मिलकर आई हो जाते हैं। आज फिर हमें इस वृद्धि संधि के बचे हुए दूसरे भाग को पूरा करना है, जिसके अंतर्गत आपको यह बताया जाएगा कि औ कैसे बनता है। तो अगर ओ या आ के बाद अगर ओ या औ आता है, अगर ओ या औ आता है तो दोनों मिलकर औ हो जाते हैं। हम इसका कुछ उदाहरण देखेंगे, कम से कम चार उदाहरण तो देखना ही है। यदि प्रथम पद के अंत में अ हो और दूसरे पद के शुरू में ओ रहता है तो दोनों मिलकर औ बन जाते हैं। अब चलिए हम कुछ उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है भाव जोर औषधि। अब देखा जाए तो प्रथम पद के अंत में अ है और दूसरे पद के शुरू में ओ है, ये दोनों मिलकर औ हो जाएंगे तो शब्द बन जाएगा भवौषधि। तो बात क्लियर हो जाना चाहिए। आप इसका दूसरा भी उदाहरण ले लीजिए, जल जोर ओघह। देखिए जल जोर ओघह, ये बन जाता है जलौघह। तो इन दो उदाहरणों में आपने देखा कि यहां प्रथम पद के अंत में ल में औकार की मात्रा है, दूसरे पद के शुरू में ओ है और ये ओ और ओ दोनों मिलकर औ हो जाते हैं। इस कारण से शब्द बन जाता है जलौघह। फिर ऐसे ही दूसरा है कि अगर प्रथम पद के अंत में औ रहता है,
दूसरे पद के शुरू में औ रहता है तब भी दोनों मिलकर औ हो जाते हैं। उदाहरण धर्म जोर औदार्यम, धर्म जोर औदार्यम। अब ध्यान दिया जाए कि प्रथम पद के अंत में औकार है मौ में और दूसरे पद के शुरू में औ है, ये औ और औ दोनों मिलकर औ हो जाएंगे और इस प्रकार जो शब्द बनेगा वो होगा धर्मोदार्यम। देख लीजिए ये बन गया धर्म जोर औदार्यम धर्मोदार्यम, औ जोर औ बराबर औ। फिर वैसे ही अगर आ के साथ औ लगता है फिर भी औ का ही निर्माण होगा और हमारा उदाहरण है महाजोर औदार्यम। उदाहरण देख लीजिए महाजोर औदार्यम, ये बन जाता है शब्द महोदार्यम। मतलब ये हुआ कि विधि संधि के अंतर्गत सारांशतः हमने यह देख लिया कि यदि प्रथम पद के अंत में अ या आ रहता है और दूसरे पद के शुरू में ए या आई रहता है तो दोनों मिलकर आई हो जाते हैं, लेकिन यदि प्रथम पद के अंत में अ या आ रहता है और दूसरे पद के शुरू में ओ या औ रहता है तब दोनों मिलकर के औ हो जाते। इस प्रकार हमारा विधि संधि समाप्त हो गया है, समापन हो गया है इसका। और अब अगले दिन हम अयादि संधि को देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल।